लाली को चाय बड़ी पसंद है, इसलिए तो लाली अक्सर आपको पप्पू के ढाबे पे ही मिलती है। अगर आप लाली और पप्पू की लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो पप्पू लश्कारा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ड्रामा सेंट्रल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कैसी ये डगर है, कैसा ये सफर है, कैसी ये डगर है, कैसा ये सफर है, खुशी के बहर का दिल मुंतजर है। बस इतनी सी कहानी है, बस इतनी आपका अंदाजा गलत नहीं हो सकता। अगर तमाम चीजों पर गौर किया जाए तो ये सिर्फ अयाज ही हो सकता है जो आयमा की इज्जत का लुटेर है। आपकी स्टिक टूट गई है, किसके सहारे चलेंगे? कसूर तो मेरा है, मैंने अपनी स्टिक को खुद ही तोड़ दी। इस तरह सब कुछ अयाज पे लुटाना है, इसे तो बड़े बड़े खजाने खत्म हो जाते हैं। और देखो, अयाज ने कभी किसी बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं ली, उसे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है। तुम जरा देखभाल के खर्च करो। आयमा बेटा, बाहर तीन लड़कियां आई हैं, वो क्या कहते हैं, घर सेट करने के लिए वो आई हैं। वो आपने बुलवाया था ना? हाँ, इंटीरियर डिजाइनर। आप उनको आयाज के पुराने वाले कमरे में बिठाएं, मैं आती हूँ। वो तो आपको खुद ही मिलना होगा, आप अपनी पसंद से काम करवाएंगी ना? अपनी नहीं, आयाज की पसंद से। आप उनको बिठाएं, आयाज आते ही होंगे, चाय भी पिलाएं उनको। मैंने नहीं बिठा दिया है, चाय भी दे दी है। जब तक आयाज बेटा भी आ जाएंगे, वो एक बात पूछूं? कौन सी बात? आपने अपने माजी से समझौता कर लिया ना? पहले तो आपको कोई बात ही नहीं समझ में आती थी। एक बात मेरे समझ में नहीं आती, हर एक को मेरा माजी क्यों नहीं भूलता? तो अच्छा है ना कि आप भूल गई हैं। किसी को मेरे कल की फिक्र है क्या? बेटा, ये फिक्र तो आपको खुद ही करनी होगी ना। तो कर तो रही हूँ आने वाले कल की फिक्र। वैसे अच्छा किया है कि आपने अयाज बेटा को कबूल कर लिया है। पता है मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त कह के मार के हंसती रहूं, इतना हंसू कि हंस हंस के थकी जा। ये ज्यादा हंसना भी बुजदिली की अलामत होती है बेटा। जो अंदर से बहुत दुखी होते हैं ना, वो दिखावे के लिए हंसते रहते हैं, खुद को भी धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। आपको मैंने बहुत सर पर चढ़ा लिया है, हर वक्त मेरे अंदर झांकती रहती हैं आप। जाए उनको चाय वाय पूछे। जी अच्छा। अब क्या फायदा इसका जब इतनी देर हो चुकी है? बीबी जान का शक यकीन में बदल जाएगा। तो उससे क्या होगा अगर बीबी जान का शक यकीन में बदल जाएगा? तो कम से कम हमें यकीन तो हो जाएगा कि हमारा शक शक नहीं, यकीन है। और उससे क्या फायदा होगा? क्या जाकर हम आयमा को ये सब कुछ बता देंगे? इतनी मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशियां आई हैं, क्या हम ये सब कुछ बताकर उसकी जिंदगी को दोबारा जहन्नुम बना देंगे? आसिम वैसे भी अब आयमा अयाज की बीवी बन चुकी है। अयाज ने जो भी गुनाह किया वो निकाह के पाकीजा बंधन में छुप चुका है, उसे छुपा रहने दीजिए। रायमा, देखो ये भी तो हो सकता है कि अयाज अब भी आयमा को धोखा दे रहा हो। जो भी आसिम, अब आप इस लावे को दबा रहने दीजिए। अगर ये लावा फटा तो इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ आयमा बनेगी। आप इस मामले में अब दखल ना ही दीजिए तो बेहतर है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, मैं इस मामले में दखल नहीं देता। लेकिन ये बात याद रख लेना कि अयाज कभी आयमा के साथ मुखलिस नहीं हो सकता, वो सिर्फ दौलत का भूखा है। तो ठीक है ना,
आयमा के पास बहुत दौलत है, अगर उस दौलत से वो अपनी खुशियां खरीदना चाहती है तो उसे खरीदने दीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन अयास को खुद एहसास हो जाए, उसका जमीर खुद जाग जाए, वो आयमा के पास आकर अपने जुर्म का इतराफ कर ले और आयमा से अपने जुर्म की माफी मांग ले, उसे प्यार करने लगे। अगर ऐसा ही हो कि आयमा की जिंदगी में मजीद दुख ना आए। आमीन। रूम देख लिया आप लोगों ने? असल में हस्बैंड का रूम था ये, हम दोनों दोबारा इधर शिफ्ट होना चाह रहे हैं लेकिन टाइम बहुत कम है, 2 दिन है हमारे पास। ओके, हम 2 दिन में आपका बेडरूम तैयार कर देंगे। बाय द वे, आपकी नई नई शादी हुई है? नई तो नहीं, लेकिन आप ऐसे समझ लें तो कल स्कीम बहुत लाइट चाह रही हूँ मैं, ग्रे टोन हो, वाइट ज़्यादा हो। आयमा, आई एम सो सॉरी, तुम बिजी हो। नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, मेरी आप ही हैं और मेरी जेठानी भी। आयमा, खैर, अच्छा आप क्या कह रही थी? ठीक है, तो 2 दिन में आपका रूम रेडी हो जाएगा। वैसे जैसा कैटलॉग में दिखाया था आपने, वही कलर स्कीम, वही फर्नीचर, मुझे सब कुछ एज इट इज वैसे ही चाहिए। डोंट वरी, जैसा आप चाह रही हैं वैसे ही होगा, बस ये रूम आप जल्दी से खाली करवा दें। हाँ, मैं कल ही ये करवा दूंगी, बल्कि कोशिश करती हूँ आज ही करवा दूँ। आप ही आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं नहीं, तुम पहले कर लो अपना काम, फिर मेरा काम तो चलता रहेगा। वैसे इस रूम में बहुत मेहनत लगेगी, क्या ये रूम काफी दिनों से बंद था? हाँ, मेरे हस्बैंड का शादी से पहले का रूम था ये, हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए थे लेकिन उनको यही रूम पसंद है तो हम वापस से तरी शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, डन, हम कल सुबह आ जाएंगे, आप अपनी निगरानी में सामान सारा निकलवा दीजिएगा ताकि कोई चीज इधर उधर हो जाए तो आपके नॉलेज में हो। बिल्कुल ठीक है, चलिए आप। हाँ, मैं आपका चेक भी भिजवा दूंगी। क्या हुआ? ये देखो, ये यास ने उस रात पहने हुए थे ना। आपी? आयमा, कुछ बात करनी है तुमसे। बोलिए आपी। आयमा, आसिम ने एक फ्लैट देख लिया और आज हम लोग जाना चाह रहे हैं। आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? आपको पता तो है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आयमा देखो, बच्चों जैसी बातें मत करो, बचपन गुजर चुका है, अब वैसे हालात नहीं रहे, अब वैसी चीजें नहीं रही, अब हालात बहुत बदल चुके हैं, हमें जाना ही होगा। सब कुछ ही बदल गया है। देखो आयमा, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है और तुम खुश भी हो, लेकिन आसिम अली को तन्हा नहीं छोड़ सकते। अली यहाँ पर रहना नहीं चाहता और ना ही अली को यहाँ पर रहना चाहिए, इसलिए हमें जाना ही होगा। आप भी कुछ दिन और, आप किस तरह से समझाऊं? आयमा देखो, समझने की कोशिश करो, अब अपना भला अपना बुरा सब तुम्हें खुद देखना होगा, मैं कब तक तुम्हारे साथ इस तरह रहूंगी। मगर आयमा, मेरी एक बात याद रखना, अपना बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी, इसका सबका तुम्हें खुद ख्याल रखना होगा। अयास पर पैसे के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता, पैसा अयास की कमजोरी है। देखो क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, ये यास ने उस रात पहने हुए थे ना। Oh!
आयमा 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 दो मुझे ये सब कुछ, चलो मेरे साथ चलो। आयमा मेरे साथ आओ, बैठो इधर। आयमा ये बात हमें खुद तुम्हारी शादी के बाद पता चली। बीबी जान ने हमें बताने की बहुत कोशिश की, उनका शक पहले दिन से अयास के ऊपर था, लेकिन हम क्या करते, हम सोच भी नहीं सकते थे कि अयास इतना घटिया हो सकता है। हम पहले पापा पे शक करके गुनाहगार हुए और फिर अयास ने हमारा सारा ध्यान फैसल पे डाल दिया। लेकिन आयमा देखो अब तुम्हारी उससे शादी हो चुकी है, वो तुम्हारा शौहर बन चुका है, अब तुम इन सब बातों को भूल जाओ। अब तुम उससे कोई सवाल नहीं करोगी वरना उसकी झिझक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। खुदा के वास्ते अब तुम उससे कोई सवाल मत करना, अगर अली को पता चल गया तो क्या पता वो अयास का खून ही कर दे। और आसिम ने अब तक अयास को सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सोचते थे कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अगर उन्हें ये पता चला कि तुम्हें भी पता चल चुका है तो वो अयास को नहीं छोड़ेंगे। प्लीज आयमा मेरी प्यारी बहन, खा मेरी कसम तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी, तुम चुप रहोगी। आयमा बोलो ना। चुप रहूंगी, देखो किस्मत भी क्या क्या मंजर दिखला। तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करती हो? तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूं? नहीं, मैं लाख गुनाहगार सही, लेकिन मैं अपनी इज्जत कैसे नीलाम कर सकता हूं? आयमा, मैं अल्लाह और उसके रसूल की कसम खा के कहता हूं कि मैंने ये जुर्म नहीं किया। बीबी जाने क्या हो गया, ये राज आयमा पे कैसे खुल गया? रायमा बेटा, आयमा को तो पहले ही शक था और अब यकीन में बदल गया, वरना उस जालिम के छूने से वो क्यों इतना तड़पती थी? कहीं आयमा खुद को कुछ करना बैठे, बहुत जज्बाती हो गई है। नहीं रायमा बेटा, आयमा इस घर की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देगी। चुपचाप ये जहर पी गई है वो, बस आप खामोश रहें। रायमा भाभी रो रही? कुछ नहीं बीना बेटा, बस घर छोड़ के जा रही है ना, इसलिए।
कहाँ जा रही हैं आप? पता नहीं, आसिम ने कोई जगह देखी है, मैं नहीं जानती। लेकिन आयमा यहाँ अकेली रहेगी? तुम चाहो तो आयमा के साथ यहाँ पर रह सकती हो। नहीं भाभी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं आपके साथ जाऊंगी, जॉब करूंगी और शराज का मुकदमा खुद लड़ूंगी। बीवी जान, आप जाकर अली का सामान पैक कर दीजिए और फिर मेरी भी हेल्प करा दीजिए प्लीज। कैसा हंसता बसता घर उजड़ गया बेटा। हाँ बीबी जान, सब कुछ खत्म हो गया। जी शुक्रिया जमील साहब, बस घर की सफाई का जरा खास ख्याल रखिएगा। जी मैं आज शाम तक फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। थैंक यू। रहमा, क्या हो गया तुम्हें? एक ना एक दिन तो हमें ये घर छोड़ना ही था ना। मैं मानता हूं कि तुम दुखी हो, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं आयमा की खातिर ही तो कर रहे हैं। आसिम कितना अच्छा होता ना, जिस दिन डाकुओं ने अम्मी को गोली मारी थी वो आयमा को भी गोली मारते थे। आयमा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मिला आयमा को इस जिंदगी से, हर वक्त शर्मिंदा शर्मिंदा घूमती रहती है, अपने दामन पे बदनामी का दाग लिए। अब बुरा वक्त गुजर गया है, आयमा खुश रहेगी और अयाज उसे खुश रखेगा। हाँ, उसे खुश रखेगा जब तक कि उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करा लेता। देखो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कानूनी तौर पर आयमा ना तो प्रॉपर्टी बेच सकती है और ना ही किसी के नाम कर सकती है। अब तुम पैकिंग कर लो। आसिम, वो आयमा, अयाज। आयमा, पता नहीं कहां से आ गया है ना उठ के, दरिंदा लालची कहीं का। आयमा, ये क्या बात कर रही हो तुम? कुछ नहीं। आज तो तुम बिल्कुल आसमान से उतरी हुई हूर लग रही हो। आसमान से हूर नहीं, अजाब उतरता है, अल्लाह का अजाब। आपने मुझे अजाब ही बना दिया। अरे नहीं भाई, तुम तो मेरे लिए अल्लाह की उतारी हुई एक रहमत हो। अब रहमत बना दिया, रहमत से जहमत हो जाऊंगी और फिर कयामत। Well, कयामत तो आप चलती फिरती कयामत है। खैर इन बातों को छोड़े, आपके लिए गुड न्यूज है, घर के सभी लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, है ना गुड न्यूज? अच्छा, गुड न्यूज यानी कि सल्तनत पे अब हमारा राज होगा और आप इस घर में मलका बन करेंगे। वैसे सारा दिन मैंने फैक्ट्री में गुजारा और कल से फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। वाह, आपने तो बहुत तेजी दिखाई। बस तुम देखना मैं रातों रात इस बिजनेस को कहाँ लेके जाता हूँ। पूरा यकीन है मुझे आप पर। हाँ अच्छा, वो फैक्ट्री का काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। आज ही आपको ब्लैंक चेक मिल जाएगा, फिर मैं आपके सारे वाजिबात अदा कर दूंगी। वैसे एक और गुड न्यूज है मेरे पास तुम्हारे लिए। वो क्या? तुम्हारी नई गाड़ी आ गई बाहर खड़ी। रियली? यस, आओ दिखाओ। नहीं नहीं, आप फ्रेश हो जाएं, इतने में अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाऊंगी, फिर हम लॉन्ग नहीं बल्कि लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। हाँ दैट्स गुड, मैं फ्रेश हो जाता हूँ जब तक तुम गाड़ी देख लो।
मेरी वजह से आप लोगों को आज घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। नहीं आयमा, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुमने अयाज को कबूल किया और एक नई जिंदगी का आगाज कर रही हो अपना माजी भुलाकर। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। नहीं आयमा मेरी प्यारी बहन, तुमने बिल्कुल भी नहीं रोना। अब तो तुम्हें बहुत खुश रहना है, बहुत ज्यादा। आयमा मैं जानती हूँ कि खाक में मिलाने वाले को अगर सर का ताज बनाया जाए तो खुद भी खाक में मिलना पड़ता है, लेकिन तुम सब कुछ भुला दोगे और बहुत खुश रहो। इस बात का तुमने मुझसे वादा भी किया, याद है ना तुम्हें? मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। अपना निशान छोड़ ही देता है। आयमा, डेड बॉडी हमारे हवाले कर दे, हम घर ले जाएंगे। अरे मेरी आयमा। Thank you so much. तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय का जायका ही कुछ और है। जल्दी जल्दी पिए ना, फिर जाना भी है। भाई पी रहा हूँ, वैसे अगर जल्दी है तो मैं चाय रख देता हूँ, बाहर से पी लेंगे। नहीं नहीं, बहुत प्यार से बनाई है मैंने आपके लिए। तो मेरे काम करते हैं, जब तक मैं इस चाय को जो आपने बहुत प्यार से बनाई है मैं इसको पीता हूँ, आप या तो मुझे देख लीजिए या फिर टीवी। हाँ तो ये बताओ कि कैसी लगी तुम्हें अपनी गाड़ी की ड्राइव? मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि आपके साथ मैं गाड़ी में सफर कर रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे लग रहा है मैं आसमान पर जा रही हूँ, बादलों में उड़ने वाली हूँ। खुश तो अभी बहुत हूँ, वैसे
काफी दूर आ गया। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। ये ब्लैंक चेक। अरे ये कौन सा मौका है चेक देने का? मैंने सोचा शायद ये मौका ही ना मिले कि सारे ड्यूज पे कर सको, तो इसलिए। खैर आप इतना स्लो ड्राइव क्यों कर रहे हैं? फास्ट ड्राइव करें ना, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी फास्ट ड्राइव बहुत पसंद है। ये देखो आप ठीक है? मेरे पास एक और सरप्राइज है। वो क्या? कातिल अपना निशान छोड़ ही देता है। आयमा, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो। तुमने मुझे कुछ पिलाया? हाँ, जहर मिलाया था। अब तुम आराम से लंबी नींद सोना। आयमा मेरी आंखें बंद हो रही हैं। गाड़ी को संभालो, नहीं तो हम दोनों, तुम्हारा शौहर हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, प्लीज, मुझे मोबाइल कॉल आई है हॉस्पिटल से। मेरा भाई अयाज, आयमा। आपका नाम? आसिम। आसिम, आई एम सॉरी, पर तो आने से पहले ही खत्म हो चुका था और एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ है कि उनके चेहरा बिल्कुल मिसमार हो चुका है। विंडस्क्रीन के शीशे उनकी मौत का सबब बन गया। चेहरा इतना खराब हो चुका था कि आप उनको पहचान भी नहीं सकते। अयाज भाई, अगर आप चाहते हैं तो हम उनका पोस्टमार्टम करा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, मेरी बहन आयमा कैसी है? नहीं डॉक्टर साहब प्लीज, मैं अपने भाई को मजीद असीयत नहीं देना चाहता। डेड बॉडी हमारे हवाले कर दे, हम घर ले जाएंगे। अरे मेरी आयमा। अरे आयमा बैठो, प्लीज। कोई प्लीज मेरी आयमा को बचा ले। देखो सिवाय दुआ के हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज आयमा मुझे छोड़ के जा रही है। कोशिश करो प्लीज, सिर्फ दुआ करो। आसिम आपका नाम है जी? और जवाब होने वाले लड़के का नाम? मेरा छोटा भाई है अयाज। और जख्मी लड़की का नाम? अयाज की बीवी और मेरी बीवी की छोटी बहन। क्या बता सकते हैं कि वो दोनों कहां जा रहे थे? नहीं, हम नहीं बता सकते, वो हम लोग उनके साथ नहीं रहते। और जब आप वहां पहुंचे तो आपने सबसे पहले क्या देखा वहां? ठीक है, आप यहां दस्तखत कर दें। और हमने दूसरी गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है शरीर जख्मी हालत में, ताकि मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। प्लीज। भाभी हौसला कर। क्या हो गया? थैंक यू, चले। ये कैसे हो गया आयमा? मैंने अपने मुजरिम को खुद ही सजा दे दी। आप भी जब मुझे यकीन हो गया कि वही मेरा मुजरिम है, तो उसके साथ एक रात गुजारना भी मुश्किल हो गया था। मैंने सोच लिया था कि उसको सजा मैं अपने हाथों से दूंगी,
आयमा, अच्छा हुआ जो उसका अंजाम रास्ते में ही हो गया, वरना सोचा था समंदर किनारे लेके जाके धक्का दे दूंगी, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी नजरों में मुझे शर्मिंदा कर दिया, उसको मैं दिल से माफ करती। तुमने बहुत अच्छा किया आयमा, बहुत अच्छा किया जो तुमने अपने जख्मों का मरहम खुद ही ढूंढ लिया। अब तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं है ना? पछतावा? किस बात का पछतावा? मैं तो बहुत खुश हूं, अपनी इज्जत के कातिल को कैसे माफ कर सकते हो? उसका खून तो वाजिब था मुझ पर। आयमा, मुझे इस बात का भी यकीन है अल्लाह ने मेरे इस खून को माफ कर दिया होगा। अगर तुम्हें इतना पुख्ता यकीन है कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हें माफ कर दिया होगा, तो क्या तुम इंसानों के इंसानों को माफ नहीं कर सकती? सच पूछे तो अयास के जाने के बाद मैंने सबकी गलतियों को माफ कर दिया। सच आयमा? यकीन ना आए तो आजमा कर देख लीजिएगा। अली, आयमा, देखो तुमने मुझसे वादा किया था, मुझे माफ कर दो आयमा। आयमा, जिस खुदा की रहमानियत पे तुम्हें इतना यकीन है, उसी खुदा के नाम पे तुम अली को माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो। अली, हाथ दो। आयमा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आयमा बेटा, बस एक एहसान करना, अली बेटा को तंग नहीं करना। हम्म, <खुँ। coughs>
लो आ गए। पहली जिंदगानी है।